हेलो एवरीवन, मैं आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिक्रूटमेंट क्या है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, एंड इसके सोर्सेस क्या है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता क्या है। आपको इसके रिलेटेड पूरा नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं पहले बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट कहते हैं कि हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग मान के चलिए एक कोई भी जींस शॉप में जाते हैं, वहां पर हम लोग जींस खरीदने जाते हैं। हम शॉपकीपर को कहते हैं बहुत सारे वहां पे जींस, अब कहते हैं कि इसे 32 वेस्ट का एक हमको जींस दो, मतलब जींस दिखा दीजिए। अब शॉपकीपर क्या करता है कि 30 बहुत सारे जींस मेरे सामने लाके रख देता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो हम शॉप में जो 32 साइज का जो मैं जो भी जींस रहेगा वो क्या सामने लाके रख देगा। तो ये जो 32 साइज का ये जो पूरा जींस लाए, इसी को कहते हैं रिक्रूटमेंट। मतलब कि बहुत सारी पॉपुलेशन में कुछ पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव जो है बहुत सारे मतलब कि काफी मात्रा में होने चाहिए, लार्ज अमाउंट में जो प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो क्या करें उसको अप्लाई करता है, वही क्या होता है रिक्रूटमेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक एडविन फिलिपो जो ऑथर थे वो रिक्रूटमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, कहते हैं वो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइप का जॉब होगा उससे रिलेटेड बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे उस जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी जींस वाला एग्जांपल लिया, मान के चले 32 वेस्ट का साइज का बहुत सारे जींस मेरे पास रख दिया, अब उसमें जिस जींस को परचेज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, वो क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़े, रिक्रूटमेंट, मतलब कि जो बहुत सारे मेरे जींस मेरे सामने रख दिया, अब मेरे पास ऑप्शन है कि किसको क्या करना है, बहुत सारे मेरे पास अप्लायंस हो गया, बहुत सारे अप्लाई आ गया मेरे पास, एप्लीकेशन आ गए, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट द्वारा जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी एप्लीकेशन होते हैं, जो भी कैंडिडेट, जो भी इम्प्लॉई, प्रोस्पेक्टिव इम्प्लॉयज उस जो उस जॉब के लिए हैं, क्वालिफाइड हैं, जो अप्लाई करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग रिक्रूटमेंट को दो सोर्स में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही इम्प्लॉई को, कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं, उसका रिक्रूटमेंट करते हैं, इस तरह के हम लोग इस तरह के जो होते हैं इंटरनल सोर्सेस के अंदर आते हैं। जबकि इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस में जब बाहर से लोग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से जो लोग अप्लाई करते हैं, जो भी जिस तरह के कैंडिडेट हो वो उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उस तरह के को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो क्या क्या इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या होता है, तो जैसे कि पहला होता है प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन क्या हो सकता है,
अब मान के चलिए किसी भी एम्प्लॉय के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे रहा है, अपना बहुत बेस्ट एफर्ट अपना दे रहा, अपना एफर्ट अच्छा दे रहा, तो कंपनी क्या करती है कि उसको डिफरेंट जॉब के लिए प्रमोट कर देती है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि इस कंपनी का ये बंदा है, उसको उस इस जॉब के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है, क्या वो उसका रूल रेगुलेशन उसको पूरी तरह से मालूम है, इसलिए क्या करता है जॉब के लिए यहां से उसको कि कंपनी से क्या करता है उसको प्रमोट कर देता है, बाहर से कोई एप्लीकेशन नहीं लेता। तो क्या, क्योंकि ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया, अंदर ही अंदर ये क्या कर रहा है, भर दिया, फिर वैकेंट सीट को क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो ये क्या, एक प्रमोशन क्या हो गया एक तरह से, क्या है ये इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। दूसरा होता है रिटायरमेंट। अब मान के चलिए कोई भी वैकेंट सीट हो जाती है, वहां पे पर्सन रिटायर हो जाते हैं, अब इन पे कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि कंपनी के अंदर से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉय उस जगह पे उसको रिक्रूट कर देती है रिटायर्ड पर्सन की जगह पे। तो क्या हो गया, ये एक तरह से ये भी इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है फॉर्मर एम्प्लॉयज। मान के चलिए कोई एम्प्लॉय रिटायर कर गए हैं, अब कंपनी को उस ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफाइड, मतलब कि उस हिसाब से उस रिलेटेड उसको कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिल रहा, क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिल रहा उस जॉब रिलेटेड, तो कंपनी क्या करती है उसी फॉर्मर एम्प्लॉयज को जो रिटायर्ड हो चुका है उसी को कुछ दिन के लिए उसको रिक्रूट कर लेती है। तो क्या होता है, फॉर्मर एम्प्लॉय उस जॉब को क्या कर लेता है, उसी जॉब को करना स्टार्ट कर देता है। तो कंपनी क्या कि बाहर से तो कोई रिक्रूटमेंट लाई नहीं, उसी पर अपना उसका फॉर्मर एम्प्लॉय था उसी को रिक्रूट कर लिया। तो ये भी क्या एक तरह से इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है ट्रांसफर। अब मान के चलिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि ये कंपनी का बंदा है, कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी का कैंडिडेट है, इसको पूरा कंपनी का रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह इसको अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पे वो पे गलती नहीं कर सकता है, तो और उसको वो अपना अच्छा भी कर रहा है, तो वो क्या करता है इस जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करता है वो ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि उस इससे क्या होता है उसका डिफरेंट स्किल भी, उसका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट वर्क में उसका स्किल भी इंप्रूव हो जाता है और उस कंपनी का क्या काम भी क्या होता है चल जाता है। तो ये भी क्या एक तरह से इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हुआ। नेक्स्ट हुआ इंटरनल एडवर्टीजमेंट। कंपनीज क्या करती है एक इंटरनल एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि जिसको जिसको भी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है या प्रमोशन के लिए जाना है या फिर इस डिपार्टमेंट नहीं, तो क्या करती है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट निकालती है, उसके अपने इम्प्लॉई वहां पे क्या करते हैं उसका एप्लीकेशन देते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं। तो कंपनी क्या करती है उसी इंटरनल और उसी अपने इम्प्लॉय में से क्या करती है किसी को प्रमोट करती है, किसी को ट्रांसफर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसको रिक्रूट कर देती है। तो इस तरह की हम रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं इंटरनल एडवर्टीजमेंट, जो कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। ये हम लोग पढ़े इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो सबसे इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्रेस एडवर्टीजमेंट। ये बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसमें एक कंपनी क्या करती है अपना रिक्रूटमेंट का पूरा डिटेल से प्रेस मीडिया के थ्रू क्या करती है एडवर्टाइज करती है। अब वो प्रेस में जब एडवर्टाइज कर उससे इन्फॉर्मेशन जितने आदमी को मिलता है, जितने कैंडिडेट को मिलता है, क्या है वो क्या करते हैं बाहर से जो भी जिसके जिसको जिसको भी मिलता है, जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट को, इस तरह के सोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं प्रेस एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, और ये क्या है कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। सेकेंड है कि कैंपस इंटरव्यू। अब देखते होंगे आप बहुत सारे कॉलेजेज में, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट इंटर कैंपस सिलेक्शन करती है, वहां पे जाके
वहाँ उनका टेस्ट लेती है, उनका इंटरव्यू लेती है, वहां से वो क्या करती है डायरेक्ट सेलेक्ट करती है उस कैंपस से। तो इस तरह के रिक्रूटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं, कैंपस इंटरव्यू बोलते हैं। और इस तरह ये भी क्या है, कैंपस एक तरह से क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज आप तो अभी देखे होंगे, बहुत सारी एजेंसीज रहते हैं, आप बहुत जगह देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसी जो इम्प्लॉय के, जो भी कैंडिडेट के सीवी को, रिज्यूम को अपने पास रख लेते हैं और डिफरेंट कंपनीज में उस प्रोफाइल, उस प्रोफाइल को, उस कैंडिडेट के प्रोफाइल को उसके रिलेटेड जॉब से, प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल से क्या करते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं उस कंपनी को, जिस कंपनी में जरूरत है, जिस जॉब के लिए, जिस तरह के कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट का प्रोफाइल उस कंपनी को प्रोवाइड करती है। और इस तरह की ये एजेंसी क्या करती है, कंपनी को भी से कमीशन लेती है और कैंडिडेट से भी क्या करती है, कमीशन लेती है। तो इस तरह की जो भी मेथड है, ये क्या, इस तरह के मैटर को हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसी, जो कि कैंडिडेट को रिक्रूट करती है। और इस तरह के रिक्रूटमेंट को भी क्या कहते हैं हमें, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट सोर्सेस है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे कैंडिडेट का जॉब प्रोफाइल अपने पास रख रहा है, मतलब उसका इंटा, उसका रिज्यूम, उसका सीवी, उसका जो भी डिटेल्स है अपने पास रखती है। और जब भी जरूरत होती है, गवर्नमेंट को जरूरत होता है कि अभी नहीं इम्प्लॉय को जरूरत है, कैंडिडेट का जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस कैंडिडेट को कॉल करती है। तो इस तरह के हम लोग क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे उस तरह के कैंडिडेट को कॉल करती है जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होता है उस तरह के कैंडिडेट का। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये भी एक क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट होता है वॉक इन इंटरव्यू। बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू का वैकेंसीज निकालती है, रिक्रूटमेंट निकालती है। वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो वहां पे इंटरव्यू देने के लिए प्रेजेंट होते हैं, बहुत जगह से आते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। और कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट उनको लगते हैं उस जगह पे रिलेटेड जॉब के, उसको क्या करते हैं, रिक्रूट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू का प्रोसेस होता है और एक तरह का क्या है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट होता है ई रिक्रूटमेंट। ये बहुत मॉडर्न, आजकल के जमाने में बहुत पॉपुलर जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। हम लोग अभी देखते हैं कि Naukri.com है जैसे, और भी इंडीड है, मॉन्स्टर है, बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कंपनियां जो भी कैंडिडेट का डिटेल्स है वो अपने पास रखते हैं, उसका रिज्यूम ले लेते हैं और क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसका अप्लाई कर देते हैं। ये क्या होता है, तो इसके थ्रू वो कैंडिडेट वहाँ पे क्या करते हैं, रिक्रूट होते हैं, और वो जो वेबसाइट है वो क्या करती है, दोनों से अपना वो कमीशन लेती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेज लेती है। तो इस तरह के सोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं, ई रिक्रूटमेंट कहते हैं, जो कि क्या है, ये एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर में होता क्या है कि कंपनीज के जो मैनेजर हैं उसको लगता है कि जो डिफरेंट कॉम्पिटिटर हैं उनके पास बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ पे मैनेजर क्या करते हैं, उस कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, जो कि वो उस प्रलोभन में उनको लगता है कि वो सैलरी का प्रलोभन देते हैं कि हम आप यहाँ पे आके आपको ज्यादा सैलरी देंगे, इंसेंटिव देंगे, बहुत तरह के बेनिफिट देंगे। तो जो वो क्या होते हैं, कंपनी इस ओर खींचे चले आते हैं। तो इस तरह के हम लोग रिक्रूटमेंट को क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर रिक्रूटमेंट, जो कि ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़े, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट और सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस था। इंटरनल सोर्सेस में हम लोग पढ़े कि प्रमोशन पढ़े, रिटायरमेंट पढ़े,
क्या पढ़े, फिर फॉर्मल इम्प्लॉयज पढ़े, ट्रांसफर पढ़े और इंटरनल एडवर्टीजमेंट पढ़े। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज में पढ़े प्रेस एडवर्टीजमेंट, कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वॉक इन इंटरव्यू, कॉम्पिटिटर एंड ई रिक्रूटमेंट। हम लोग ये पढ़े रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेक्शन क्या होते हैं, सिलेक्शन क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आज के लिए बस इतना है। इसका पूरा का पूरा नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से वो इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।